नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीत एंड आप देख रहे हैं देसी बापरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज बात करेंगे जेनिटल स्टॉली के बारे में। दोस्तों दिन प्रतिदिन दुनिया डेवलप कर रही है एंड उसके साथ साथ हमारे लाइफस्टाइल में डेवलप कर रही है। हर एक चीज़ों में इनोवेशन हो रही है चीज़ों को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। यदि हम जेनेटर्स की बात करें तो इस सेगमेंट में भी बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। पहले की जेनेटर्स ओपन सेट में आती थी, और उसके बाद साइलेंट में आने लगी है, और इसके बाद आज के जमाने में सुपर साइलेंट भी आ रही है। बट हर एक इनोवेशन के साथ साथ कुछ अच्छी तो कुछ खामियां लेके ये इनोवेशंस आती हैं। तो दोस्तों उन्हीं खामियों से एक की बात करें तो जनरेटर्स को पोर्टेबल कैसे बनाएं ताकि जनरेटर्स की यूजर्स को और बेहतर बनाया जा सके। तो इससे फायदा यह होगा कि जनरेटर्स हमारे हर एक काम में उपयोग हो पाएंगे। दोस्तों इसका सलूशन है ट्रॉलीस। तो दोस्तों जनरेटर ट्रॉलीस कई प्रकार के आते हैं। कुछ कंपनियां तो अपने जनरेटर के साथ साथ ट्रॉलीस अटैच करके भी देती हैं। यही यदि हमारी बात करें तो हम तीन टाइप के ट्रॉलीस मार्केट को उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों पहला है टू व्हील ट्रॉलीस, जिसका कैपेसिटी आपको 1500 केजी का मिल जाएगा और ये सिंगल एक्सल के साथ आती है। सेकंड है दोस्तों थ्री व्हील ट्रॉली, जिसमें आपको पे लोड उतने ही 1500 केजी की मिलती है मगर ये भी सिंगल एक्सल के साथ आती है। और थर्ड है दोस्तों फोर व्हील ट्रॉली, जिसमें आपको 4000 केजी का लोड मिलता है और वो भी डबल एक्सल के साथ। ये सबसे हैवी ड्यूटी ट्रॉली रहता है जिसमें आपको 4000 केजी का पे लोड मिलती है। दोस्तों यदि हम स्पेशलाइजेशन की बात करें तो ये मॉडल में हम कुछ चीज़ें स्पेशली कस्टमर के चॉइस के लिए भी मैन्युफैक्चर करते हैं, चॉइस से मैन्युफैक्चर करते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो पहला है डिफरेंट टाइप ऑफ टायर्स। यदि आप टायर साइजेस की बात करें तो हम इसमें 12 इंची के, 15 इंची और 16 इंची के साइजेस में टायर उपलब्ध कराते हैं कस्टमर के लिए। यदि कस्टमर बोलते हैं कि उनको 12 इंची का टायर चाहिए तो हम 12 इंची के देंगे, 15 का चाहिए 15 देंगे और 16 के चाहिए 16 का देंगे। इस बार ये रिक्वायरमेंट, मतलब आपके जैसे रिक्वायरमेंट रहेगी उसी हिसाब से हम उसी ट्रॉली में टायर फिट करके हम देंगे। जैसे ओमनी का टायर आता है 12 इंची में, बोलेरो का टायर आता है 15 इंची में और ट्रैक्टर का टायर आता है 16 इंची में। सेकेंड है दोस्तों एक्सल। इसमें ज़्यादातर हमारे तीन मॉडल हैं, तीन मॉडल में एक दो मॉडल में सिंगल एक्सल लगती है और जो लास्ट वाला मॉडल है उसमें डबल एक्सल लग जाएंगे। तो आपके ऊपर भी ये चॉइसेस में है कि आप डबल एक्सल में जाते हैं या सिंगल एक्सल में, और उसके साथ साथ लीफ स्प्रिंग और फिक्सेड चैनल का भी ऑप्शन दिया जाता है। यदि आप फिक्सेड चैनल में लेना चाहते हैं रेक्टेंगुलर चैनल में तो वो भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप लीफ स्प्रिंग का, यदि आपका बजट अच्छा खासा है तो आप लीफ स्प्रिंग में भी ले सकते हैं। नॉर्मली सारी एक्सेल रेक्टेंगुलर शेप के ही आती है। इसके साथ साथ इनको इजीली ऑपरेट करना और मूव करना भी आसान होता है। हाई ग्रेड सी सेक्शन चैनल से पूरी फ्रेम बनाई जाती है, जैसे कि 125 mm x 65 mm और 100 mm x 50 mm के साइजेस में। थर्ड पॉइंट है कि हम हर एक जनरेटर में पार्किंग ब्रेक्स दिया जाता है, इसके मदद से आते हैं हम लोग अपने जनरेटर को एक जगह पार्क करके रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये और सेकंड है इसमें आपको दो सेट स्क्रू जैक मिलते हैं जिसको इसको स्टैंड करने में मदद होती है, और इसके साथ साथ आगे तरफ आपको टोइंग अरेंजमेंट के लिए टोइंग हुक भी दिया जाता है। नॉर्मली और कुछ स्पेशलाइजेशन की बात करें तो हैंड ब्रेक्स मिलते हैं, रिफ्लेक्टर भी मिल जाएंगे और ब्रांड न्यू प्रीमेचर टायर्स भी, व्हील्स भी आपको इसमें देखने मिल जाएंगे। ट्रॉली के साथ साथ मेन यूनिट जनरेटर्स जो है ये बोल्टिंग के सहारे फिक्सड किया जाता है, अटैच किया जाता है। तो दोस्तों ये था जनरेटर्स ट्रॉली के बारे में कंप्लीट डिटेल्स। होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुई होंगी। अंत में आपसे इतनी ही निवेदन है कि वीडियो को थोड़ा सा भी पसंद आई हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इसके साथ साथ मैं जीत आपसे फिर मिलूंगा और एक न्यू टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद जय भारत।